दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के इंटीरियर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीवीसी में जो डिब्बा बनाया जाता है, बॉक्स जो लगते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं वैसे तो, लेकिन जो यहाँ पर हम बना रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कौन से वाले बॉक्स हैं और किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों जो प्रोसेस रहेगा वो डिब्बा बनाने से लेकर लगाने तक पूरा सीलिंग तक दिखाऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने लिया पैनल 20 इंच का, ये पैनल था जो इन्होंने 20 इंच का काटा पूरे पैनल में से, और फिर इन्होंने उसी हिसाब से एक पैनल पर निशान लगा रखे हैं। उस निशान लगाने के बाद ये देखिए ये दूसरे पैनल पर निशान लगाए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार निशान लगाने के बाद यहाँ से जो सीट होती है उसकी बैक साइड से कटिंग होती है, अभी ये कटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो अगर बात करें कटिंग की तो देखिए कुछ इस प्रकार से कटिंग होती है पीवीसी की। पीवीसी को हम पीछे से काट रहे हैं और तो देखिए एक बार जो इन्होंने डिब्बे का साइज लेना था वो ले लिया है, जो फालतू के फालतू का बस्ता है 2-3 इंच वो इन्होंने काट के अलग रख दिया। आप देख सकते हो कि इन्होंने कैसे डिब्बे को ले लिया है। तो जैसे कि इन्होंने जो कॉर्नर है वो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिए, देखिए आप बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल आसान बिल्कुल मतलब सीध में रखने होते हैं ताकि पेस्टिंग आसानी से हो सके। अगर ये इसमें थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाता है तो डिब्बा लगाने में बहुत दिक्कत आती है और डिब्बे की शेप भी बिगड़ सकती है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा पा रहा हूँ पीछे से डिब्बे की कटिंग। तो इसके कटिंग करने के बाद ये इसको फोल्ड करेंगे, देखिए आप इन्होंने पीछे से थोड़ा सा स्पेस बना लिया है डिब्बे को फोल्ड करने के लिए। तो ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं वो डिब्बे का है ना, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ये। आप इस तरीके से बहुत ही जल्दी 4 से 5 मिनट में डिब्बा बना सकते हो पीवीसी से लिंग में। तो इस प्रकार कितने डिब्बे लगेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद अगर दोस्त जो स्पेस बनाया था इन्होंने तो उसके देख मैंने बोला था ना फोल्ड करने के लिए स्पेस बनाया, देख कितनी आसानी से इन्होंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब ये यू शेप में आ गया है, देखिए आप कितनी आसानी से इसको फोल्ड किया गया है। बस जो कटिंग होती है ना उस पर पूरा ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से रखी जाएगी। अब जो एल्फी बॉन्ड होती है उसके सारे उसकी मदद से देखिए किस प्रकार से इस डिब्बे को इसी शेप में रखा जाएगा। ये एल्फी बॉन्ड है और इसको इस प्रकार से लगाया गया है, और एल्फी बॉन्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार की डिब्बी एल्फी बॉन्ड की, जो इसका स्टिकर था वो उतर चुका है तो वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो दोस्तों देखिए आप कुछ डिब्बे का जो साइज है वो इस प्रकार से तैयार हो चुका है, और ये देखिए इसमें अब इसके जो साइड है ये साइड अभी भरनी बाकी है, तो वो उसके लिए देखिए आप किस प्रकार से ये तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हो पीछे से इसको बिल्कुल खाली करना होता है, और जो फ्रंट है इसका वो इसी कलर का रहता है, फ्रंट इसी कलर का है, और इसको पीछे से बिल्कुल खाली कर दिया जाता है। तो इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया ये साइड के कवर करने के लिए इसको इस प्रकार का एक टुकड़ा तैयार किया जाता है जिस प्रकार से, तो इस प्रकार का एक टुकड़ा तैयार हुआ है। और देखिए अब साइड कुछ इस प्रकार से भरी जाएगी, और साइड भरने के लिए आप देख सकते हो नीचे इसको कितनी आसानी से रख दिया गया है, और ये एल्फी बॉन्ड इस पर लगाई गई है पेस्ट होने के लिए। तो दोस्तों देखिए एल्फी किस प्रकार से एल्फी की मदद से इस डिब्बे को कितना अच्छा फिनिशिंग दी जाएगी। फिनिशिंग देखिए आप इसकी थोड़ी सी देर बाद कटिंग हो जाएगी इसकी, बिल्कुल आपको पता लग जाएगा कितना सुंदर ये डिब्बा बनेगा। ये देखिए ये डिब्बा 3 इंच का और 1.5 इंच। अब इसको दूसरी साइड से इसी प्रकार से बंद किया गया है। इस बंद करने के बाद इस पे एल्फी बॉन्ड से इसको पेस्ट किया गया। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके साइड कवर करने के लिए इसको जो लगाया गया था, देखिए उसको कितनी आसानी से अभी देख जो इसके साइड में छोटे से कॉर्नर बड़ा हुआ है उसको पूरा पूरा काटने के लिए देखिए पेपर कटर की सहायता से इसको कितनी आसानी से काटा जा रहा है। अगर मैं दूसरे वाले डिब्बे दिखाऊँ आपको तो देखिए इसकी फिनिशिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिब्बे बनाए गए हैं फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों अब चलते हैं सीलिंग की तरफ। तो सीलिंग में आपको दिखा देता हूं मैं, आप देखिए यहाँ पर 6 डिब्बे यहाँ पर हम लगा चुके हैं, 2 डिब्बे अभी हमने लगाने बाकी हैं। तो अगर
फिनिशिंग की बात करें तो आप देख सकते हो हमारी जो सीलिंग डिजाइन है उसमें किस प्रकार की फिनिशिंग आती है, और काम हमारा बहुत बढ़िया होता है, वो आप सीलिंग में वीडियो में भी देख पा रहे हो। तो दोस्तों अगर आपको भी सीलिंग करवाना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पे कॉल कर सकते हो, और पीवीसी से रिलेटिव अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हो, आपकी हर प्रकार से सहायता की जाएगी। और मैं दूसरे रूम में भी दिखा देता हूँ आपको, सेम इसी तरीके से इस कमरे में भी सेम डिजाइन है, और यही आठ डिब्बे लगने हैं, दो डिब्बे यहाँ भी बाकी है, तो वो हमने वीडियो के चक्कर में रोक रखा था। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा वर्क, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।